वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। मोबाइल का नेटवर्क सेक्शन में बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा नेटवर्क सेक्शन कैसे काम करता है। 5G पर अलग बनाऊंगा, अभी ये 4G और 3G पर हम 2G पर हम काम कर रहे हैं, बताना है कि किस तरह से सर्किट काम करता है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले मोबाइल का जो नेटवर्क सेक्शन होता है 3G और 5G, यहाँ पर कौन कौन सी ICs लगी होती है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो PMI IC है, चार्जिंग IC और पावर IC, इन दोनों से जो वोल्टेज निकलेगा, तो जो PMI से निकलेगा वो बेसिकली VPH होगा 3.7 से 4.2 वोल्ट, और वो जाएगा PFO में, और यही वोल्ट जाएगा RF में। तो ये वोल्टेज होंगे 3.7 से 4.2 वोल्ट। तो सबसे पहले PFO और RF में आपको PMI वोल्टेजेस मिल जाने चाहिए बिना ऑन किए। पावर IC से जो वोल्ट जाएगा वो जाएगा 1.8 वोल्ट PFO पे, और RF पे जाएगा 1.8 वोल्ट। इन सब ICs के बारे में अभी आपको डिटेल करता हूँ। तो ये सारा वोल्टेज की लाइन आप देख लीजिए, इस तरह से वोल्ट होगा। इसके अलावा CPU और आपका PFO और जो आपका WTR IC है, इससे क्लॉक और डेटा SDA और SCL के नाम से क्या होगा, ये कनेक्टिविटी होंगी सारी। इसके अलावा जो RF IC है, वहाँ से TRX का ट्रैक क्या होगा, एंटीना से कनेक्टेड होगा। फिर यहाँ पर बैंड फिल्टर्स लगे होंगे, बैंड फिल्टर से जो TRX की लाइन है उससे क्या होगा, फिर WTR पर क्या होगा, जो होगा वो सारी कहानी आगे जाएगी। तो ये RX लाइन हो जाएगी जो आपकी बैंड फिल्टर से आगे इस पे जाती है। तो इसमें मैं आपको यहाँ से इस तरह से होगा। अब मैं सारी ICs के बारे में बता देता हूँ और सारी चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूँ। SDA और SCL पर यहाँ पर लाओ, SDA और SCL पर अगर आप मान के चलिए कि अगर आपके पास ऑसिलोस्कोप नहीं है या जिसे हम DSO कहते हैं वो नहीं है, तो यहाँ पर 1.8 और 2.2 वोल्ट के आसपास SCL में ही 1.8 से 2.8 वोल्ट के आसपास वोल्टेज आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अब ये बैंड फिल्टर क्या होता है, जैसे आपके मोबाइल में एयरटेल की सिम चल रही है, जियो की नहीं चल रही, तो आपको ये जो बैंड फिल्टर्स होते हैं इनको चेक करना होता है। किसी मोबाइल में एयरटेल चल रहा है, किसी में BSL नहीं चल रहा, किसी में इस तरह की दिक्कत आ रही होती, तो इन बैंड फिल्टर्स के थ्रू आपको क्या करना होता है, चेक करना होता है। अगर ये बैंड फिल्टर्स खराब होते तो इस तरह की दिक्कतें जरूर आती है। तो चलिए अब इन ICs के बारे में डिटेल कर दूं। सबसे पहले इसकी वर्किंग समझेंगे, आइडेंटिफिकेशन समझेंगे, लेआउट समझेंगे, स्कीमेटिक को थोड़ा सा देखेंगे, स्कीमेटिक अगले वीडियो में बताऊंगा। इसमें प्रॉब्लम्स किस तरह की आती है, उनको फॉल्ट फाइंडिंग क्या करना है, इसमें आपका शॉर्टिंग वगैरह कैसे होती है। तो चलिए इस ICs में मैं सब ICs बता दूं। जो PFO होता है, बेसिकली पावर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर होता है 3G और 4G के लिए। जो RF होती है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी, इसका फुल फॉर्म है, ये 2G के लिए होता है। WTR होती है जो वायरलेस ट्रांस रिसीवर होता है, WTR का फुल फॉर्म होता है वायरलेस ट्रांस रिसीवर, और इसको हम ट्रांस रिसीवर भी बोलते हैं। अगर MIPI टेस्ट वगैरह में दिक्कत हो रही है तो WTR को ज़रूर एक बार चेक कर लेना चाहिए और लाइन को चेक कर लेना चाहिए। इसके अलावा जो TX और RX है, TX होते हैं ट्रांसमिटिंग सिग्नल और TRX होता है ट्रांस रिसीविंग सिग्नल। तो ये पूरा स्कीमेटिक में आप जाएंगे तो सारी चीज़ें आपको डिटेल के साथ मिलेंगी। RF IC बेसिकली जो होती है, जो ये RF IC होती है, एंटीना केबल से जुड़ी होती है। ये देखिए यहाँ पर एंटीना केबल होती है TX और RX, इससे कॉइल जुड़ी होती है जो ग्राउंड से जुड़ी होती है। ये कॉइल पर उन फ्रीक्वेंसी को ग्राउंड कर देती है जो अनवांटेड होती है, ठीक है। अगर ये कॉइल कैपेसिटर, ये कॉइल्स और अगर कैपेसिटर अगर खराब है, तो मान के चलिएगा कि मोबाइल फ़ोन के लिए बेस बैंड फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, आने देगा, बाकी चीज़ों को क्या हटा देगा। तो 800, 2100, 1900 मेगाहर्ट्ज़ को ये अलाउड करेगा और बाकी सबको ये ग्राउंड करने का काम करता है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी अनवांटेड फ्रीक्वेंसी होती है जो हमें यहाँ पर नहीं चाहिए होती। तो ये कैपेसिटर और ये जो रजिस्टर अगर खराब हो जाएंगे तो भी आपको क्या होगा, दिक्कत होगा। तो RF IC से ये एंटीना केबल के साथ ये कंपोनेंट आप ज़रूर चेक करिएगा। अगर दिक्कत आ रही है तो इन कंपोनेंट्स को ज़रूर हमें चेक करना है। ये फ्रीक्वेंसी को ग्राउंड कर देते हैं जो अनवांटेड होते हैं। अगर ये कॉइल कैपेसिटर अगर हट गई है तो समझ लीजिए कि नेटवर्क सेक्शन में खराबी होगी, प्रॉब्लम आएगी। मोबाइल फ़ोन के लिए बेसबैंड फ्रीक्वेंसी को आने देती है जो 800 से 2100 1900 मेगाहर्ट्ज़ से उसको अलाउ करती है, बाकी सबको ये ग्राउंड करने का काम करती है। तो ये RF से जो एंटीना होता है इसका बहुत महत्व होता है। TRX की लाइन में ये क्या होता है, इस तरह से काम करती है। RF IC में एनालॉग सिग्नल आते हैं। RF IC बेसिकली TRX के रूप में बैंड फिल्टर पर जाता है। ये होता है बैंड फिल्टर। ये बैंड फिल्टर्स आपको स्कीमेटिक में देख लेना चाहिए। इसमें इंडिया के लिए अभी मैं बताता हूँ कि एयरटेल के लिए क्या बैंड फिल्टर है, वो सारी चीज़ मैं आपको क्लियर कराता हूँ। WTR में EMMC और CPU पर जाता है। WTR से EMMC और CPU से क्या होता है, चीज़ें क्या होता है, RX के रूप में क्या होता है, जाता है। WTR में से EMMC CPU पर जाता है, जो बेसिकली क्या होती है, स्टार्टिंग प्रोसेस। जब आप कॉल करते हैं तो इस तरह से होता है। कैसे होगा, CPU से WTR, WTR से PFO, TX बैंड फिल्टर, फिर TRX, फिर RF और एंटीना से आउट जहां आप कॉल कर रहे हैं। फिर से समझ लीजिए, सबसे पहले आपका CPU दिखाओ ना, यहाँ
सीपीयू, सीपीयू के बाद WTR, WTR के बाद PFO, PFO के बाद TX band filter, TX के बाद TRX और फिर RF antenna से क्या हो जाता है, आउट हो जाता है जब आप कॉल करते हो। PFO ऑसिलेशन का काम करती है, मतलब PFO जो होती है वो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी को क्या करती है, बढ़ाने का काम करती है। एंटीना से आउट होकर टॉवर पर जाता है, ये एंटीना से आउट होकर टॉवर पे नहीं जाता, टॉवर पे मतलब जिसको आपने कॉल किया है उससे होता हुआ टॉवर पर क्या होता है, कॉल जाती है। PFO खराब है, अगर ये आपकी PFO खराब हो गई तो मान के चलिएगा कि आउट कॉल जो कहोगी जो कॉल आउट नहीं होगा, PFO खराब है आउट गोइंग कॉल्स बंद हो जाएंगे। W और RF खराब है तो रिसीविंग नहीं होगा, RF रिसीव करता है और PFO क्या करता है, सेंड करने का काम करता है। WTR ट्रांसमिट और रिसीव दोनों का काम करती है, जो WTR होती है ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग दोनों का काम करती है। WTR खराब है तो नो नेटवर्क, नो सिग्नल, इमरजेंसी कॉल, तो यही रेस्पॉन्सिबल होती है 90% ज़्यादातर इसी से प्रॉब्लम आएगी। अगर WTR खराब है तो मान के चलिएगा कि सिग्नल नहीं आएंगे, नेटवर्क नहीं आएगा और इमरजेंसी कॉल में मोबाइल चला जाएगा। तो कभी भी इस तरह की दिक्कत है आप आंख बंद करके WTR को 99% WTR हमने बदली और प्रॉब्लम सॉल्व हुई। इसके अलावा एक और चीज़ बता देता हूँ कि WTR की लाइन में जितने कंपोनेंट अगर आपको दिखे उनको भी ज़रूर आपको चेक करना होता है। बैंड 4G LTE टेलीकम्युनिकेशन, इससे आप एयरटेल जियो आदि की फ्रिक्वेंसी को देख सकते हो। इसको नेट पर जाएंगे, वहाँ पर आप 4G बैंड इन इंडिया आप टाइप करेंगे इस तरह से, तो आपको क्या हो जाएगा, ये आपको 4G बैंड का क्या हो जाएगा, आपको यहाँ 4G बैंड एंटीना टाइप करेंगे तो ये पूरी फ्रिक्वेंसी आपको दिखाएगा कि किसके लिए क्या होती है। मैं बता देता हूँ, जैसे एयरटेल के लिए 3401, BSNL के लिए बैंड 3.8.41, इसके अलावा जियो के लिए बैंड 3.540, इसके अलावा वोडाफोन के लिए गूगल बैंड होगा 3.040.41, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। TX और ये लाइन को चेक करते रहें तो एयरटेल का नेटवर्क आ रहा है, BSNL का नहीं आ रहा, तो ये बैंड फिल्टर्स आपको चेक करने होते हैं। तो इस तरह से नेटवर्क सेक्शन में PFO, RF, CPU, पावर, PMI, WTR, बैंड फिल्टर, RF, कॉल आ रही है, कॉल नहीं आ रही है, वो सब मैंने डिटेल कर दिया है इसको स्कीमेटिक पर, और मोबाइल पर एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा कि एक एक चीज़, ये जो वोल्टेजेस हैं SDO और SCL, इसको हमें अपना DSO से भी चेक करना है और मल्टीमीटर से आप वोल्टेजेस चेक कर सकते हो। इसके अलावा जो PMI से VPH वोल्ट आ रहा है, PMI यानी चार्जिंग IC, यहाँ पर VQ सीरीज भी हो सकती है, VPH 3.7 से 4.2 वोल्ट, ये VCs, VPH, ये अभी मैं उस पंडे पे नहीं जा रहा हूँ कि IC बेसिकली मीडिया टेक का है, पावर या क्वालकॉम का है, उस पंडे पे नहीं जा रहा हूँ, उस पर वीडियो डाल चुका हूँ, उस पर आप और ध्यान से देख लीजिए। हमारे मोबाइल के आप 100 वीडियोस अगर खरीद लेते हैं, परचेस कर लेते हैं, 1 ईयर के लिए अलाउ होता है सब्सक्रिप्शन, उसके बाद पर ईयर आप उसको क्या कर सकते हैं, आगे और सब्सक्राइब करने के लिए उसमें आप पेमेंट करेंगे, आपका साल के साल बढ़ता जाएगा जो हमसे अगर ऑनलाइन आप जुड़ना चाहते हैं। ये 100 वीडियोस मोबाइल के, इसमें कुछ जो लाइव प्रैक्टिकल्स भी होंगे वो भी मैं मिलेंगे आपको, करंट के मोबाइल्स के प्रैक्टिकल्स भी मिलेंगे, और सारे सेक्शनों का स्कीमेटिक डायग्राम भी आपको करीब करीब सब कुछ मिल जाएगा। नेटवर्क सेक्शन 5G, 4G, 3G सबके जो वीडियोस पॉसिबल है वो मैं नेटवर्क पे डाल रहा हूँ, बाकी वीडियोस आप हमसे परचेस करेंगे तो आप घर बैठे भी सारा मोबाइल का काम कर सकते हैं। तो ये नेटवर्क सेक्शन पर था, इस पर पूरा प्रैक्टिकल का एक वीडियो ज़रूर डालूंगा। इसके अलावा MediaTek का जो बूट सीक्वेंस है, क्वालकॉम का जो बीट सीक्वेंस है वो मैं डाल चुका हूँ। ये पावर सेक्शन था, ये नेटवर्क सेक्शन है, इसके अलावा लाइट सेक्शन पर भी एक वीडियो डालूंगा। एक एक वीडियो से कुछ नहीं होगा, आपको कम से कम इन पर 10-10 वीडियोस हमसे लेने पड़ेंगे, तब जाकर आप सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। मोटा मोटी इस तरह से आप अगर बिल्कुल ही हमसे, मतलब आप ऐसे ऑनलाइन जुड़ रहे हैं तो जितनी सर्विसेज दे रहा हूँ उन पे भी आप बहुत कुछ चीज़ों को कर सकते हैं। अब अगर PFO पे वोल्टेज नहीं है, RF पे वोल्टेज नहीं है, तो आप समझ जाएंगे कि क्या है, इस लाइन में दिक्कत है, नेटवर्क में से आउटेज हो जाएगा। WTR दिक्कत है, इमरजेंसी कॉल, नेटवर्क आउटेज, इस तरह की दिक्कत सबसे ज़्यादा खराब होने वाली IC WTR IC है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती है WTR के अलावा, उस पर भी मैं वीडियो बहुत जल्दी डालने वाला हूँ। तो ये नेटवर्क सेक्शन आप देखिए, नेटवर्क सेक्शन में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, इसमें आप IMEI को भी प्रॉपर चेक कर लीजिए, MIPI टेस्ट को भी प्रॉपर कर लीजिए, उसके बाद फिर आप इस सेक्शन में घुस के सारी चीज़ों को देखें कि नेटवर्क इमरजेंसी कॉल पे जा रहा है, फेक नेटवर्क आ रहा है, इस तरह की चीज़ें। अब अगर ये रजिस्टर खराब हो जाएंगे और आपका ये कैपेसिटर खराब हो जाएगा तो भी दिक्कतें खड़ी होंगी, अनवांटेड फ्रीक्वेंसी आएगी तो RF में क्या होने लगेगी, दिक्कत आएगी, तो जो अलाउड फ्रीक्वेंसी है उसको आने देता है, बाकियों को रोक देता है। इसके अलावा CPU से SDA और SCL सिस्टम क्लॉक और डेटा, सिस्टम डेटा, सिस्टम क्लॉक, ये आपस में कैसे बात करते हैं, ये SDA और SCL के थ्रू बात करते हैं। तो जब कॉलिंग होगी CPU के थ्रू और जब इनकमिंग होगी जाएगा उसी एंटीना में और आएगा भी उसी एंटीना के थ्रू
मैंने पूरी स्टेप्स आपको बता दी है। नहीं समझ में आए वीडियो को स्लो मोशन में स्लो में आप करके सारी चीजें देख सकते हैं किस तरह से ये काम करता है। तो इरेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल नेटवर्क सेक्शन मोबाइल का अगला वीडियो लैपटॉप पे डालने वाला हूँ, उसको भी आप देखिएगा। मोबाइल लैपटॉप पे कम से कम 250 से 300 वीडियोस हैं, उन्हें भी आप परचेज करेंगे तो उसमें मैं आपको VRM सेक्शन क्या है, नेटवर्क सेक्शन क्या है, और उसमें आपका साउंड सेक्शन, लैन सेक्शन, उसके अलावा जो चार्जिंग सेक्शन है उस पर मैं पूरी चीज़ें बताऊंगा। चार्जिंग सेक्शन में एन चैनल पी चैनल मॉसफेट लगे तो क्या दिक्कत है, उसमें आपको DSO की टेस्टिंग, DC मशीन का जो एम्पियर मिली एम्पियर का कंसेप्ट है वो क्या है, उसमें आपकी जो SOC है उसमें दिक्कत, उसके अलावा जो आपके VS वोल्टेजेस 3-5 LDO वोल्टेजेस, इसके अलावा स्टेप डाउन के वोल्टेजेस, वो सारे वोल्टेजेस भी बताऊंगा। इसके अलावा मोबाइल पर एक बहुत जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें होगी पावर रेल, कैसे मोबाइल में कौन कौन से पावर कब कब बनते हैं, इसके अलावा लैपटॉप पर पूरी पावर रेल आपको कराऊंगा। तो ये वीडियो था, क्यों क्लास से उठा के बाहर फेंकू क्या तेरे को मैं, मजाक हो रहा है क्या क्लास में? तो ये पूरा नेटवर्क सेक्शन है, इसमें आपको PMI पावर WTR बैंड फिल्टर RF PFO CPU TRX RX इसके अलावा 4G बैंड इन इंडिया, ये सारी चीजें जाकर आप यहाँ पर सारी चीजों को चेक कर सकते हैं। तो ये था वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।